तो दोस्तों दिल्ली का मौसम जो है सुहाना होता जा रहा है और धीरे धीरे आगे आने वाले दिनों में भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सो ऐसे में रहता है कि हम लोगों का मन करता है एक दिन के लिए कहीं पिकनिक के लिए जाया जाए। सो ऐसी एक जगह पर मैं आपको लेकर आया हूँ जिसका नाम है माधवगढ़ फार्म्स। पूरी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, अंदर क्या एक्टिविटीज़ रहने वाली है और क्या खाना रहने वाला है सब मैं दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि आपको पता लग सके कि यहाँ आना चाहिए या नहीं। अंदर चलें उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिएगा नहीं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अंदर आपको टिकट चार्जेस, टाइमिंग्स और यहाँ पर होने वाली सारी एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं। सो दोस्तों यहाँ का एंट्री चार्जेस की बात करें तो 1250 रुपये बड़ों की रहने वाली है और 3 और 4 साल तक के बच्चे की रहने वाली 650 रुपये। 3 साल से छोटा बच्चा जो है वो बिल्कुल मुफ्त रहेगा। अंदर जो भी चीज़ें रहेंगी उसका आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना नहीं, बाकी अंदर जाके देखेंगे तो आपको साथ साथ बताते रहेंगे। सो अभी अंदर एंट्री करिए और टाइमिंग रहती है 9 से 5। तो चलिए दोस्तों अंदर, और तब तक आपको मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ आने के लिए जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है ना वो तो पड़ेगा हुड्डा सिटी सेंटर, लेकिन जो बेनिफिट रहेगा आपको आने में अपनी गाड़ी से आएँ, अपनी बाइक से आएँ या कैब से आएँ, क्योंकि हुड्डा सिटी सेंटर से भी आपको काफ़ी दूर पड़ने वाला है और आपको पार्किंग मिल जाएगी। अंदर भी खड़ी है, बाहर भी पार्किंग है। सो बाइक मैंने अंदर ही खड़ी करी है। सो चलिए एंट्री कर लिए यहाँ पर हमने, देखिए ऐसे ये एंट्री का सीन है, ढोलबाजे के साथ एंट्री हुई है हमारी। अब अंदर आ गया मेन, तो यहाँ पर देखिए आप घुसते ही ऐसे साइकिल, इतनी बड़ी साइकिल भी बड़ी बढ़िया वाली बनी हुई है। अभी है तो अंदर घुसे ही हैं। सो फ्रेंड यहाँ पर वेलकम ड्रिंक में आप देख सकते हैं नींबू पानी और छाछ है। तो यार जब भी आपको यहाँ पर प्यास लग जाए तो यहाँ पर आ जाना, भैया बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपको नींबू पानी छाछ सब देंगे, चाय भी इन्हीं के पास मिल जाएगी आपको ये बैठे हुए। तो यहाँ पर देखिए ऐसे टेंट लगा के अपना बैठने का बना रखा है, मंजी है, मोड़े हैं और प्लस ये झूले भी लगे हुए हैं जिन्हें आप झूल सकते हैं। ट्रिप जो है अभी सुबह सुबह ही हुई है, 10 बजे हम सुबह सुबह आ गए हैं। यहाँ पर देखिए क्रिकेट वगैरह के लिए आपको सामान मिल जाता है, किट्स मिल जाती हैं, आप अपना एंजॉय कर सकते हैं फैमिली वगैरह के साथ। यहाँ पर जैसे ये देखिए आप ये क्रिकेट खेल रहे हैं। सो यहाँ आने का सबसे बेनिफिट तभी है जब आप ग्रुप वगैरह में आ रहे हैं तो आप अपना एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए तो यहाँ पर आप क्रिकेट भी खेल सकते हैं, उधर भी खेल रहे हैं और एक्टिविटीज आपको दिखा देता हूँ मैं जब तक। ये जिप लाइन अभी स्टार्ट नहीं हुई। सो ये यहाँ पर आपको रोप कोर्स मिल जाएंगे, ब्रिज बने हुए हैं सारे, ये सारे यहाँ पर देखिए, बड़े छोटे सब कर सकते हैं इनको। तो यहाँ पर इधर है, इस साइड में है, सो ये सारे रोप कोर्स हैं जो आप यहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आगे भी हैं, क्या करोगी? मैं जा रहा हूँ यहाँ पर रोप कोर्स करने। सो यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी जैसा कि मैंने आपको दिखाया, हम भी एक ट्राई करते हैं, आप भी कर सकते हैं, आओ तो एंजॉय करो। यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा सेफ्टी यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा हाइट पे नहीं है तो सेफ्टी बेल्ट नहीं है यहाँ पर, बस ये है लेट सी है, हो पाती नहीं हो पाती, थोड़ा टफ लग रही है। इधर मुँह करता हूँ जिससे आपको मैं नजर आ पाऊँ, आप देख पा रहे हैं ये एक रस्सी पकड़नी है, इस पर चढ़ाना है, ज़्यादा टफ नहीं है वैसे, झूले झूलाती हुई बड़ा तेज तेज। तुम्हें तो खतरों के खिलाड़ी में जाना चाहिए यार, इसमें क्या कर रहे हो? खिलाड़ी में जाऊंगा मैं तो, थोड़ा मेहनत लगती हुई पर मैं जाता हुआ। गर्मी बहुत है, गर्मी है, मौसम अच्छा नहीं आज, पसीने पसीने हो गए। हाँ थोड़ा बारिशों का मौसम और अच्छा हो तो यहाँ आओ, विंटर में तो बहुत मजा आएगा। आओ चलो इस पर बैलेंस करते हैं, बाय। ये तो अपना हर पार्क में होता है, ये बचपन की यादें ताजा करें। मोटी बैठनी वाली बैठ, पहले मुझे बैठना पड़ेगा। ये बैठ गई है, ओ तेरी थोड़ा सा, तुम भी नहीं हो, मैं तेरे से ज्यादा ही हूँ। लो जी मेरा वजन ज्यादा होता हुआ यहाँ पर, वो तेरी हुई। अब मैं वो नीचे नहीं लाऊंगी। झूला, बहुत पसीने पसीने इस समय, ये देखो गर्मी बहुत तेज है। आप लोगों के लिए क्या क्या दिखाने आना है। सो यार
वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना। अभी तो शुरुआत ही हुई है, थोड़ी देर में खाना पीना भी दिखाएंगे आपको। ये आरती, ये मैं और ये सारा जहान, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सो होपफुली हो सकता है कि ये वीडियो मैं आपको इंडिपेंडेंस डे वाले दिन अपलोड कर दूँ या फिर अगले दिन करूँ। सो आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो यहाँ पर स्लाइड छोटी सी, मेरा बच्चा आरती करने जा रहा है। छोटी सी। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो चुका है और ये इनका डाइनिंग एरिया जहाँ पर जो है क्या हुआ, ये ना कूलर के आ गया यार, मज़ा आ गया। और यहाँ पर जो है सिटिंग भी है और बुफे सिस्टम है, आप यहाँ पर अनलिमिटेड खा सकते हैं, आपकी टिकट में इंक्लूड रहता है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है और आपको सारा दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है इनका पीछे आप देख पा रहे हैं सारा डाइनिंग एरिया है, आराम से बैठ के खा सकते हैं। यहाँ से आपको प्लेटें मिल जाएंगी। दोस्तों आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में क्या। चलो जी, आलू की सब्जी पूरी है। मैं क्लियर कर दूं, ये ब्रेकफास्ट अनलिमिटेड है आपको और लंच भी मिलेगा बाद में। सो ये ब्रेकफास्ट का आपको दिखा रहे हैं अभी हम, और क्या ले लो साथ में खाएंगे। मैं अभी भी एक एक्स्ट्रा रख लो। खाते तो होनी। हाँ मैं नहीं खाता तो मेरी भूख डबल होती है। ये कह रही है मेरे, मुझे देख के इसकी भूख डबल होती है क्योंकि मैं कम खाता हूँ और ये भूखा रह जाती है। अच्छा मुझे देख के खाना देख के इसकी भूख डबल हो जाती है भाई, और मैं खाता नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात ये कम खाता हूँ। तो ये पोहा था और यहाँ पर हलवा है और एंड में रायता है दही, और यहाँ पर जो है भैया ब्रेड बटर भी सेकते हुए। सो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इन्जॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी प्लेट आ गई, खाते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं, आगे दिखाते हैं। सो ये वाला देखिए, यहाँ पर ऊपर तो जिप लाइन है, यहाँ पर आप रोप ऐसे क्लाइंब भी करके जा सकते हैं। इस वॉल को रोप क्यों नहीं है, लोग चढ़ गए सारे इस पे। अभी काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं ना, अब थोड़ा लेट आते हैं, कुछ लोग 10 बजे तक आते हैं, तो इस समय देखिए पूरी जनता ऊपर चढ़ रही है। और अपना शान भी लहरा रहा है ऊपर तिरंगा। नाश्ता हमने कर लिया था, ठीक था। सो दोस्तों यहाँ पर जो है आप पूल का भी आनंद उठा सकते हैं, यहाँ पर स्विमिंग पूल का, यहाँ का इस पूल का आनंद उठाते हुए भाई लोग, ये देखिए सारे के सारे यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। तू तो ऊपर ही रही हो। इन चीज़ों का भी आप आनंद यहाँ पे ले सकते हैं। और ये देखो ये फोटो आने की है। आ गई आ गई, सबकी आ गई, सबका ही पल्ले। हेलो भाई, चलो हेलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माई ट्रैवल रन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कुछ पेड एक्टिविटीज है, 100 रुपीज ईच। ये अभी यहाँ पे शुरू नहीं हुई है, राइड है, एडवेंचर कार है, बुल राइड है, ये सब 100 रुपीज की है यहाँ पर, जो स्टार्ट हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। सो इस एरिया में जो आप देख पा रहे हैं सब पेड है, जैसे आपको कुछ पीने का मन कर जाता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब यहाँ पर अवेलेबल है जो आप पे करके, और ये मसाज के लिए भी इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। इसके क्या चार्जेस हैं, 10 मिनट और दोनों के फिश और फिश पागे 100 रुपीज 10 मिनट है ना, 100 रुपीज़ है 10 मिनट्स का यहाँ पर। ये देखिए ये भी रखा हुआ है, आप थक जाते तो यहाँ पर आके आराम फरमाइए। ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, फिश का हर जगह मिल जाता है आपको। तो चलिए सिखाते हैं और क्या है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनका आप भरपूर आनंद उठा सकते हैं, जो कि अनलिमिटेड रहती है, भी जितनी मर्जी बार कर लो, है ना भाई। क्या नाम है, अर्जुन। ओ अर्जुन है, अर्जुन यहाँ पर जो आपको कराएंगे। तो ये बास्केटबॉल है, देखते हैं अंदर डाल पाते नहीं, बांध पाते हैं। आर्चरी करेंगे, इसमें तो मुझे महारत हासिल है, स्वयं अर्जुन ने मुझे सिखाई थी, अर्जुन ने। जय श्री राम। लगा था पर वो चिपका ही उसकी गलती है। सो डार्ट गेम ही आपको हर जगह मिल जाएगी, जितने भी फार्म्स विलेज फार्म्स बने होते हैं ना यहाँ पर, मोस्टली देखिए सबका कॉन्सेप्ट सेम होता है। बहुत सारे आपने देखे होंगे दिल्ली के अंदर है, और हम भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, सबका कॉन्सेप्ट सेम है। और आपको एक खासियत बता देना चाहता हूँ हॉस्पिटैलिटी की, आपको 100% ना कोई भी खुश नहीं कर पाएगा कि आप सोचते हो यार ये कमी है वो कमी है। सो मैं ट्रैवलर हूँ,
इसलिए मैं जानता हूँ अच्छे से अच्छे में भी ले आऊंगा ना, 7 से 10 हज़ार में भी खर्च कर दोगे, 100% कभी खुश नहीं हो पाओगे। कहाँ घुसा है? नहीं तो गया। कहाँ गया? बोला जमीन नीचे, देखो देखो नीचे नजर नहीं आ रहा। अरे उसके नीचे है वो बिल्कुल। तो क्या हो गया? पैर लगा लेकिन जाके जमीन पे धरती पे आगे से पकड़ना। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इंडोर एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी, जिसमें चेस पड़ी है, यहाँ पर लूडो भी है, लूडो एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कैरम चल रहा है, कैरम बोर्ड का भी एंजॉय कर सकते हैं आप। एयरपोर्ट, हाँ जी हाँ जी। सो ये जो सर लोग हैं सारे एयरफोर्स से हैं, सबसे बड़ी बात तो मतलब 14 अगस्त के दिन उन जवानों से मिलने को मिल रहा है जो देश की सेवा करते हैं, तो इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है। तो सारे के सारे ये काफ़ी सारे आए हुए हैं ना आप लोग, तो ये सब तो ये सारे एयरफोर्स के हैं। सर जय हिंद, सर जय हिंद, जय हिंद भारत माता की। जय तो आज के दिन इनसे मिलना हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब एयरफोर्स में एक ही साथ भर्ती हुए थे। हाँ जी 11th August 1989। और सौभाग्य है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के समय फिर हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे। अच्छा इकट्ठे। हर एक साल हम सब भाई परिवार के साथ इकट्ठे होते हैं। पहली बार बेंगलोर से शुरू हुआ यह सिलसिला, बेंगलोर दिल्ली लगन यहाँ गुड़गांव, ये हम लोग सोच रहे हैं कि यह सिलसिला हमेशा जारी रहे। बिल्कुल परिवार का ग्रुप हमारा है। बिल्कुल। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हमारे पूरे RT157 परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो ये रेन डांस का एंजॉय करते हुए यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैजिक शो हो रहा है जो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपके लिए होता रहेगा यहाँ पर। तो दोस्तों इस समय रोप कोर्स की तरफ भी काफी लोग एंजॉय करते हुए काफी, अभी जब हमने स्टार्ट किया था तो लोग काफ़ी कम थे, अभी लोग फैमिलीज काफ़ी आ गए हैं तो सब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग रोप कोर्स हैं तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये इजी है काफ़ी, कोई भी कर सकता है इनको। यार जिप लाइन के लिए तो मेरा मन नहीं कर रहा लाइन देख के ही, सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरे को तो यार कर तो रखी है, आपको दिखा दिया है यहाँ पर, ये एक्टिविटी हमारे लिए वही काफ़ी है, बाकी आप दोबारा दोबारा कर सकते हैं, बट वो देखो वहाँ पे लाइन, ये जिप लाइन के लिए सारा। तो दोस्तों इस सेक्शन में मेहंदी भी आप लगवा सकते हैं जो कि इंक्लूड रहती है उसी में। हेलो ये देखो यहाँ पर एक ये डिजाइन इसका तैयार हो गया है। तो इधर आपकी हेड मसाज भी हो जाएगी, ये भैया बढ़िया वाली चंपी करते हुए यहाँ पर, ये देखिए ऐसे, तो आप यहाँ पे हेड मसाज भी करा सकते हैं। ये भाई साहब मज़े लेते हुए यहाँ पर, ये भैया हेड मसाज कर रहे हैं, आ रहे जी मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर लंच शुरू हो चुका है, चलो लंच का आनंद उठाते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर लंच में क्या क्या है। आरती पहुँच चुकी है बहुत जल्दी, पहले ही प्लेट ले लेगी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। ये दाल जो मैं नहीं ले रही, हाँ ये भी दाल, ये छोले हैं सफ़ेद छोले, मैं ये भी नहीं ले रही, ये भी नहीं ले रही, गर्मी की वजह से कम खाने का मन कर रहा है, हमने वो नींबू पानी बहुत पिया है। भाई आपको दिखा देते हैं ये कड़ी, कड़ी तो ले लेंगे, कड़ी फेवरेट है अपनी, तो थोड़ा अंधेरा यहाँ पर, और ये कड़ी हमने ले ली, ये साग है,
नहीं पालक पनीर है शायद, पालक पनीर, पालक पालक कौन कौन पालक क्या जी कौन, अच्छा स्वीट कौन पालक नहीं, ये भी नहीं ले रही। और ये पनीर है, खिचड़ी है यहाँ पर, खिचड़ी के ऊपर देसी घी डालने के लिए है, इसके बाद रायता है यहाँ पर, ये शायद मीठे पुए टाइप हैं, और ये छाछ होगी तो यहाँ पर बाजरे की रोटी, नान और मिस्सी रोटी भी है, और ये घी मक्खन सब पड़ा है यहाँ पर, आप चटनी अचार सुक्का आपको मिल जाएगा, और जितना मर्जी लीजिए कोई टेंशन नहीं लगाती हुई है। देखिए घी को चौपड़ लिया अन्य मोदी ने और वाइट बटर भी, अगर आपको वाइट बटर का शौक है तो चलो प्लेट को लेके चलते हैं टेबल पे, टेस्ट करते हैं और आपको उसके बाद बताते हैं कैसा लगेगा। तो आपको एक पास का लुक दिखा देता हूँ, ये देख लो जी बहुत बढ़िया थाली सच के आ गई, सब कुछ है ऑलमोस्ट, कुछ चीज़ हमने नहीं ली, सब कुछ लेके क्या करना है, उतना ही खाओ यहाँ लिखा है, जितना वेस्ट ना करो, सो वैसे भी अच्छी बात है ना, इतना ही खाना चाहिए। चलिए खाते हैं, इसके बाद आपको इसका रिव्यू देंगे फूड का, और जो थोड़ी बहुत एक्टिविटीज अगर एक आध कुछ और बची है वो भी दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने लंच कर लिया है, और लंच बहुत बढ़िया था सही बताऊँ तो, एक होता है ना आप लोगों को लगता है रिव्यू झूठ था, सो लंच बहुत अच्छा था, मैंने नहीं खाना था पर फिर भी खा लिया मैंने। हाँ मैंने खाना नहीं था, मैंने फिर भी खा लिया, कड़ी बहुत बढ़िया थी, चाउमीन थी हमने वो भी खाई, वो भी अच्छी थी, वैसे तो सब कुछ ही अच्छा था, कड़ी बहुत अच्छा, और नान थी, मतलब ओवरऑल लंच बढ़िया था, और ब्रेकफास्ट भी बढ़िया था चाय को छोड़ के। यहाँ पर हो रहा है पपेट शो, ये रह गया था, ये भी दिखा देते हैं, डांस दिखा दिया, हम आ गए हैं उस ग्राउंड में जहाँ पर कैमल राइड, ट्रैक्टर राइड, और ये ऐसा बना हुआ है बैला, बुल्क गार्ड राइड पैसा बुल्क गार्ड है, ये बैल है, इसकी राइड लेते हैं। कहाँ गए भैया, आप ही हो, करा दो यार रिकॉर्ड कर लेंगे जो जो मिल जाए, आओ पहले बुल्क गार्ड लेते हैं, चढ़ जाओ ऊपर ऊपर, तो लो जी हमारी बुल्क गार्ड राइड, यहाँ पे बच्चे चढ़ते हुए, चढ़ जाओ चढ़ जाओ, आ जाओ सवारी सारी, चलो 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 सवारी जल्दी है, बच्चे भी सवार हो गए सारे के सारे, इसमें गुड़गांव से दिल्ली कट करके इस साइड बैठो, इस साइड बैठो, बहुत बढ़िया। अब हम सवार हो गए हैं ट्रैक्टर राइड पे, ट्रैक्टर राइड के लिए जाएंगे, यहाँ सवारी चल चुकी है, ये रहे हमारे भैया जो हमें लेके जा रहे हैं ट्रैक्टर राइड पे, आओ 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 दिल्ली 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 वाले जल्दी आ जाओ। तो चलो जी अब हम चल रहे हैं कैमल राइड पर, आ रहे मजा जो राइड्स थी उसका आनंद हमने ले लिया, मजा आया, आप चाहे तो दोबारा भी ले सकते हैं ऐसा नहीं है, और ये देखिए यहाँ पे नेट लगा हुआ है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे अपना खेल सकते हैं, सब कुछ बैडमिंटन वगैरह आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक कुआ है, पानी है उसमें, आओ देखें पानी है या नहीं, वेल बना हुआ एक और है, वो तो वैसे ही बनाया होगा। तो यहाँ पर देखिए डक्स, सो इधर एक राजस्थानी, ये राजस्थानी फोटो स्टूडियो है, सो ये फोटो वगैरह क्या खर्चा रहता है, पेड़ है कितने रुपये, 100 रुपीज़, आप तैयार करके भी फोटो हम खींच सकते हैं अपने उसमें, 100 रुपीज़ है। यहाँ पे ड्रेसेस हैं इनके पास, अगर आप राजस्थानी स्टाइल में क्लिक कराना चाहते हैं, बाकी यहाँ पर कुछ ये डंक भरवाएं, सो ये देखिए यहाँ पर कुछ, ये देखिए माला भी है यार, राजस्थानी यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स, मतलब मेरे लिए सोचो तुम, अंगूठियाँ वगैरह है,
सब कुछ है यहाँ पर। ये क्या चीज है, सिलिंग है, ये 150 रुपए के रेट लिखा हुआ है। आओ दोस्तों डांस अभी नहीं। तो दोस्तों अपनी डांस परफॉर्मेंस के साथ माधवगढ़ के टूर को मैं करता हूँ एंड। तो माधवगढ़ फार्म्स आपको आई होप काफ़ी पसंद आई होगी इन्फॉर्मेशन। सब कुछ मैंने दिखा दिया, क्या एक्टिविटीज थी, खर्चा सारा बता दिया था। नीचे भी डिस्क्रिप्शन में रेट्स वगैरह का मैं डाल दूंगा। और ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं वीकेंड में या कभी भी जब आपकी छुट्टी हो फैमिली के साथ। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नए थे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई लोकेशन पर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, कीप ट्रैवलिंग, हैप्पी ट्रैवलिंग।